चलिए शुरू करते हैं दीपाली जी मैं आपको दीपाली जी बुलाऊंगा दीपाली जी सबसे पहले जब मैं आपकी हिस्ट्री पढ़ रहा था आपकी लाइफ स्टोरी पढ़ रहा था दैट वाज अमेजिंग मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यंग एज में आप स्प्रिचुअलिटी की तरफ कैसे इंक्लाइन हुई इसके बारे में थोड़ा बताइए मेरा मानना है कि कुछ गुण अंदर ऐसे होते हैं बाय बर्थ हम वो कुछ गुण पैदा जब हम पैदा होते हैं तब साथ में लेकर आते हैं hmm. और इट इज मल्टीप्लाइड विद द एनवायरमेंट वी लिव इन जिस माहौल में हम रहते हैं वातावरण में हम रहते हैं hmm. उसके साथ जब उसका गुणाकार होता है जब मल्टीप्लीकेशन और सिनर्जी होता है hmm. तब मैं मानती हूँ कि कोई इंसान का व्यक्तित्व का निर्माण होता है सो hmm. स्पिरिचुअलिटी so की मैं बात करूँ या धार्मिक आध्यात्मिक मेरी जो यात्रा की मैं बात करूँ वो बहुत ही बचपन से बहुत ही छोटी एज में पाँच सात साल की एज में मेरे दादाजी के द्वारा चालू हुई मेरी लाइफ में सो so, मेरे दादाजी गंगा किनारे हरिद्वार में उन्होंने बड़ी साधना की है चालीस पैंतालीस साल तक उन्होंने गंगा किनारे बहुत ही मतलब आध्यात्मिक जीवन जिया है तो हम अपने स्कूल कॉलेज के जो भी वैकेशन होते थे समर वैकेशन दिवाली वैकेशन हम कभी मामा के घर नहीं गए बुआ के घर नहीं गए चाचा मौसी किसी के घर हम सीधा जाते थे हरिद्वार और वो हमारा वैकेशन दो महीने तीन महीने चलता था तो हम पूरा वो वातावरण आश्रम का वातावरण हम जिए हैं और जब हम वापस आते थे तब वापस हमारा नॉर्मल नॉर्मल स्कूल होता होता था था कॉलेज वापस ये लेकिन वो जो जो इनसाइट मिलती थी दो महीने में hmm. आ, जैसे बच्चा तो यू you नो know, एक एंजॉयमेंट के लिए जाता है पाँच सात साल का दस साल का बच्चा उसके लिए तो वो पिकनिक है यू नो समर वेकेशन बट वो पिकनिक मान लो या जो भी फ्री टाइम मान लो hmm. उस टाइम में वो जो वातावरण ने एक छोटे बच्चे पर जो असर किया होता है जो इम्पेक्ट किया होता है आई hmm. गेस धीरे 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 जाके वो अंकुर अंकुरित होता है पर इसमें पेरेंट्स का क्या पेरेंट्स का कैसे रोल रहा था बिकॉज आजकल के पेरेंट्स आपको पता ही है कि वो एक एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं आज की जनरेशन से अपने बच्चों से स्पेशली कि वो डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा नाम रोशन करेगा अचानक से जब आपके पेरेंट्स को पता लगा कि आप स्परिचुलिटी की तरफ जाना चाहते हैं अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं वो भी इतनी यंग एज में उनका रिएक्शन क्या था और वो उनका सपोर्ट सिस्टम कितना था मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे दादा उनका जो पूरा जीवन ऐसा मेरे पादर ने देखा तो मेरे पिताजी ने ऑलरेडी वो सब कुछ देखा है कि एक आध्यात्मिक जीवन से व्यक्ति के अंदर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं तो जब मैंने ये बात रखी तब ना मेरे घर वालों को कुछ नया लगा उन लोगों को लगा कि शायद मैं शायद इसी के लिए बनी थी और फाइनली मैं उस मोमेंट पे मैंने वो जब चूज किया वो लाइन वो क्षेत्र तब दे न्यू इट यू नो वैसा होता है ना कि ये तो हमको पहले से पता है कि हम वेट कर रहे हैं कि ये कब होगा oh. तो बट hmm. उन्होंने कभी स्पिरिचुअलिटी uh, को थोपा नहीं मुझे बचपन से जैसे हम पूरा ऐसे आध्यात्मिक परिवार के वातावरण में से आए हैं hmm. लेकिन एक बात के लिए मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर इतनी ऋणी रहूंगी उनका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी वो ये है कि उन्होंने कभी आध्यात्मिक जीवन मुझ पर थोपा नहीं कभी स्पिरिचुअलिटी ना मेरे दादा ने हम पर थोपी ना मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी ने कभी हम पर नहीं थोपी क्योंकि हम सबका ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी थोप ही नहीं जा सकती वो जगा ही जा सकती है ये प्रेम के जैसा है तुम प्रेम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हाँ तुम प्रेम किसी के अंदर जगा सकते हो तुम अपना ऐसा बर्ताव ऐसा कुछ अपने में बदलाव लाके ऐसा बर्ताव ऐसा कर सकते हो अपने में कुछ ऐसा चेंज लाकर सामने वाले के अंदर प्रेम जगा सकते हो लेकिन थोप नहीं सकते स्पिरिचुअलिटी भी सेम है तुम किसी को बोलो कि नहीं तुम्हें मंदिर जाना है तुम्हें ये गीता पढ़नी है तुम्हें ये शास्त्र पढ़ना है बच्चा बैठ के पढ़ेगा तुम्हारे डर के कारण लेकिन जब जब वो बड़ा होता जाएगा उसके अंदर का भी एक ईगो है हम माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चा जब तक छोटा है तब तक हर चीज़ बिकॉज उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं कोई चॉइस नहीं लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो बड़ा होगा वैसे उसके अंदर का ईगो भी बड़ा होता है अब जब बड़ा बच्चा अब उसको तुम बोलोगे तुम्हें ये करना ही करना है वो उल्टा उससे दूर भागता है सो so, मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी बात की कि हम पर कभी स्पिरिचुअलिटी को थोपा नहीं स्पिरिचुअलिटी को अपने आप हमारे अंदर डेवलप होने दिया